भर में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, और हम जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो आज निकली हैं, और हमारी कोशिश है हमारे साथ हमारी जो भाई हैं वो भी निकलें, और पाकिस्तान का जो आज हाल है, जो यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, हमारा जो मुल्क है जिस तकलीफ़ में है, उस तकलीफ़ से निकालना बहुत ज़रूरी है, और हम सब अगर इकट्ठे होके आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस मुल्क को कोई भी और कोई बचाने नहीं आएगा। और आज क्योंकि वुमेंस डे है तो स्पेसिफ़िकली हम ख़वातीन के हवाले से आज चल रहे हैं, और मेरी जितनी भी पाकिस्तान की बहनें हैं उन सब के लिए हम चलेंगे, और चाहे वो बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो, सबसे पहले वो पाकिस्तानी हैं, और हम सब ख़वातीन अपनी पाकिस्तानी बहनों के लिए आज चल रहे हैं। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं के खिलाफ वायलेंस केसेस भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसके खिलाफ क्या इकदाम करें? मेरे ख्याल से हर शख्स का एक फ़र्ज़ बनता है इसके खिलाफ काम करने का, और मीडिया अपना एक रोल अदा कर सकता है, हुकूमत अपना एक रोल अदा कर सकती है, और हम जैसे लोग जिनके पास एक आवाज़ है, जिनके पास प्लेटफॉर्म्स है मीडिया के, हम अपना एक रोल अदा कर सकते हैं और करना चाहिए। हुकूमती सतह पे क्या होना चाहिए? अभी जैसे केसेस मुख्तलिफ सामने आए हैं, आंध्र प्रदेश में, बलूचिस्तान में, इस केसेस को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हमारे चाहिए हुकूमती सतह पर क्या करना है? अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब विक्टिमाइज होते हैं हम, उसके बाद हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। एक्चुअली हम इंतज़ार नहीं करना चाह रहे विक्टिम बनने के लिए, हम चाह रहे हैं कि हम उठें, इकट्ठे हों और कहें कि अब जो भी हो रहा है हमारी औरतों के साथ वो नहीं होना चाहिए, और हमारे जो भाई हैं इस मुल्क के, हमें हमें इज्जत और प्रोटेक्शन दें, क्योंकि हमारे भी जो ये सारी जो ख़वातीन है, किसी घर की बेटी है, माँ है, बहन है, बीवी है, इन सब का एक ही हिफाजत करना हम ख़वातीन का तो फ़र्ज़ बनता ही बनता है, लेकिन हमारे जो मर्द हैं, हमारे इस मुल्क के जो भाई हैं, जो हमारे बेटे हैं, इन सब का भी फ़र्ज़ बनता है कि इन ख़वातीन की हिफाजत होनी चाहिए। और आज हमारे इंशाल्लाह ख़वातीन तो आएंगी, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो भी बहुत सारे आए हैं आज हमारे साथ।